हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। आर टू के ही सबसेट की बात होगी और लेट डब्ल्यू बी सबसेट ऑफ आर टू। और ये ऐसा सबसेट है जिसमें वो सभी पॉइंट्स हैं जो वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई इक्वल टू टू एक्स, इस पे लाई करते हैं। तो वाई इक्वल टू टू एक्स केस में भी आप देखेंगे कि ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसका जब कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो एक्स कामा टू एक्स आ जाएगा, तो एक्स कामा टू एक्स ये भी सब स्पेस फॉर्म करेगा। वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट वाई इक्वल टू थ्री एक्स, ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आर टू की जो पास हो रही है ओरिजिन से। तो ओरिजिन पास करेगा तो पहली रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई कि आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अब एक्स कामा थ्री एक्स आएगा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो जैसे आप लिखेंगे एक्स वन कामा थ्री एक्स वन, एक्स टू कामा थ्री एक्स टू ऐड करेंगे फिर वही चीज आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू कामा थ्री टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू। तो गिवन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा, सब स्पेस होगा। तो इन जनरल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म सब स्पेस ऑफ आर टू एंड इन दिस वे। और इस तरीके से हम लोग पाएंगे कि आर टू के पास इनफाइनेटली मेनी सब स्पेस है इस तरीके से वाई इक्वल टू एम एक्स के, मीन्स एनी स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन इन आर टू फॉर्म सब स्पेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आर टू के पास इनफाइनेटली मेनी सब स्पेस है और मेनी सब स्पेस ऑफ डायमेंशन वन, आर टू हैज इनफाइनेटली मेनी सब स्पेस ऑफ डायमेंशन वन। अब हम लोग आते हैं इस पे, वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब जैसे इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स कामा एक्स प्लस वन, तो एक्स कामा एक्स प्लस वन को जब एक्स जीरो भी कर देंगे तो जीरो कामा वन आ जाएगा, मीन्स ओरिजिन पास नहीं करेगा, सॉरी ओरिजिन से लाइन पास नहीं करेगी, इसका मतलब ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब दूसरा सबसेट आप ले रहे हैं तो ये जो पैराबोला बना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला है। अब इस पर हम लोग फेल कराना है, मैथमेटिक्स में आप फेल कराने की कोशिश क्या करिएगा, लाइफ में हमेशा पास कराने की कोशिश करिए। अगर लाइफ में कभी कोई आपको दिक्कत क्रिएट कर दे तो उस पर आप बहुत फोकस मत किया करिए कि ऐसा क्यों किया, बट मैथमेटिक्स में आप फेल कराने, उसमें कमी निकालते हैं। तो जैसे इसको पास नहीं कराना कि ऐसे हम पॉइंट लें जहां से पास हो, तो इसमें दो पॉइंट लिया गया माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे और चूंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स कामा एक्स स्क्वायर और एक्स कामा एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा जीरो कामा टू एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स जीरो नहीं है, जीरो है तो यहां से पास करेगा, लेकिन अगर एक्स का मान कुछ और ले लेते हैं आप तो ये इस जो वाई एक्सिस है इस पे लाई करेगा यहाँ ऊपर में, तो फेल कर जाएगा। सिमिलरली वाई इक्वल टू दिस साइन एक्स, अब इस साइन एक्स का जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे आप कोई ओरिजिन से पास कर रहा है जो सब स्पेस की पहली रिक्वायरमेंट हो तो पूरी हो रही है कि ओरिजिन से पास कर गया, लेकिन ओरिजिन से पास करना या आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना इस बात की गारंटी नहीं करेगा कि सब स्पेस है, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं है तो गारंटी कर देगा कि सब स्पेस नहीं हो सकता। जैसे सांस का चलना गारंटी नहीं करता कि आप स्वस्थ हैं, बट अगर आप स्वस्थ हैं तो सांस ले रहे हैं। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स, ओरिजिन से तो पास किया बट ये सब स्पेस हो जरूरी नहीं। तो अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी वेक्टर एडिशन की बात जो की गई थी कि w इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, तो हम लोग दो पॉइंट लिए, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो जैसे x इज इक्वल टू पाई बाई टू आप लेंगे तो फिर y का मान वन होगा, और 5 पाई बाई टू में आपने क्या किया, एक बार फिर उसको पूरा का पूरा घुमा दिया 2 पाई से, यहाँ आ गया, इस पे भी 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई टू 5 पाई बाई टू ऐड होके 3 पाई आएगा और 1 1 ऐड होके 2 होगा, बट जो साइन एक्स की रेंज है वो 2 तो हो नहीं सकती, साइन एक्स इज फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1। साइन एक्स चाहे जहां रहे, वो किसी डिग्री कॉलेज में हो, BHU में हो, IIT में हो, या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, जहां भी आप सोच सकते हैं, ऑक्सफोर्ड में क्यों ना हो, साइन एक्स की रेंज नहीं बदलती। और यही रीजन है कि आप देखते हैं कुछ बच्चे वहां पहुंच के भी वैसे ही चले आते हैं बस डिग्री लेकर के,
तो डोमेन तो बड़ा होता है, जैसे साइन एक्स का डोमेन आपने बड़ा कर दिया, साइन एक्स का डोमेन आपने जैसे जीरो से इन्फिनिटी लिया, जीरो से इन्फिनिटी डोमेन में भी वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में भी वो माइनस वन से वन के बीच में है। तो डोमेन बड़ा होने से उसकी रेंज नहीं बदल रही, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। बट टैन एक्स से बदल जाता है, कॉट एक्स बदल जाता है, कॉस एक्स नहीं बदलता। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं थ्री पाई, थ्री पाई पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, जबकि यहाँ पे टू आ रही है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये पॉइंट इसका मेंबर नहीं होगा। अब ये फेल कर गया। सिमिलरली लेट बी इज इक्वल टू आर थ्री। अब आर थ्री एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर थ्री सच दैट वाई इक्वल टू एक्स। तो इन आर थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर। इन आर थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स इज ए प्लेन इन आर थ्री। इन आर टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। तो नेचर बदलता है ना, कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। तो ये रिश्ता यहाँ पे बदल जाता है, जैसे वाई इक्वल टू एक्स होगा आर थ्री में प्लेन हो जाएगा, बट आर टू में वाई इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये प्लेन है। अब इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो एक्स एक्स जेड होगा, जेड फ्री है तो एक्स एक्स जेड। अब आप आर थ्री में कंसिडर करिए, किसी भी में आप हो कंसिडर करिए कि वाई से उस पर जेड पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बढ़ा दीजिए, एक प्लेन हो जाएगा। अब देखेंगे ये प्लेन जो है सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इट फॉर्म्स अ स्पेस। नाउ योर एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ, सॉरी, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। योर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट पैराबोला इन थ्री डायमेंशन। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पैराबोला इन टू डायमेंशन, बट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वॉट, पैराबोलिक सिलेंडर इन थ्री डायमेंशन। दिस इज पैराबोलिक सिलेंडर इन थ्री डायमेंशन। एंड वी कैन अगेन हैव सम पॉइंट्स वेर इट फेल्स टू सेटिस्फाई सेकेंड रिक्वायरमेंट दैट इज क्लोज अंडर बेकर एडिशन, ये नहीं फॉर्म करेगा। W3 में आपने स्फीयर लिया, स्फीयर के सर्कमफेरेंस पे जितने पॉइंट है उसको लिया जा रहा है। तो स्फीयर के सर्कमफेरेंस के पॉइंट लिए जाएंगे तो जीरो जीरो इसका मेंबर नहीं होगा, ये यहीं से फिल कर जाएगा। तो आप पाएंगे कि R3 में सब स्पेस केवल वही फॉर्म कर रहे हैं। पहला है कि प्लेन होना चाहिए, दूसरा है कि ओरिजिन से पास करना चाहिए। जैसे हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं आर थ्री का, क्लेट बी इज इक्वल टू आर थ्री ओवर आर एंड एक्स वाई जेड, एक सबसेट है इसका कि एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर थ्री सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब यहाँ पे ए बी सी डी जो है आर का मेंबर है, तो देर आर ऑल्सो इन्फाइनेटली मेनी सच प्लेन्स। अब इसमें दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन है कि वेन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डी जीरो नहीं है तो फिर ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। उस केस में अगर ओरिजिन से पास नहीं किया तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट फेल कर जाएगी, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा है अगर ओरिजिन से पास कर गया तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो होगा। और आप देखेंगे कि एनी प्लेन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन इन आर थ्री फॉर्म सब स्पेस ऑफ दिस आर थ्री। तो इन दिस वे वी कैन से दैट देर आर इन्फाइनेटली मेनी सब स्पेसिस ऑफ आर थ्री विच ऑफ दिस टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। नाउ टेक अनदर सबसेट, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर थ्री सच दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो तो है, बट जैसे हम लोग लेस की बात करेंगे फेल कर जाएगा, जेड प्लस वन फेल करेगा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब फेल करेगा। सिमिलरली बी इज इक्वल टू आर पावर टेन ओवर आर, एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स नाइन एक्स टेन एलिमेंट ऑफ आर थ्री आर टेन सच दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सिस्टम आप प्लेन की बात कर रहे हैं और ये भी सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो इन जनरल इन आर एन ओवर आर सिस्टम ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर्म सब स्पेस ऑफ दिस आर एन ओवर आर। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्पेस।
मीन्स मैट्रिक्स स्पेस एन क्रॉस नंबर आर। डब्ल्यू वन में वो सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखे गए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देखेंगे जीरो लेंगे जीरो जीरो जीरो, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होगा, क्लोज्ड हो गया। किसी भी स्केलर मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो सिमेट्रिक ही रहेगा, सब स्पेस हुआ, ये भी सब स्पेस हुआ। इन तीनों को आप चेक करिएगा। सिमिलरली पीएन ओवर आर के केस में आप लीजिए पी जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल लिया गया, ये जो पी एन ओवर आर है इट इज पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू एन हुज कोफिशिएंट्स आर टेकन फ्रॉम आर। इसके सभी कोफिशिएंट आर के मेंबर हैं, तो कोफिशिएंट आर से होगा जैसे ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पावर एन, ऐसे लिया जाएगा। अब ए आइज बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे पी पी लिखने का मतलब पॉलिनोमियल की बात हो रही है, एक्स साइलेंट है यहाँ पे, पी बिलोंग्स टू वी मीन्स पी बिलोंग्स टू पी एन ओवर आर सच दैट पी जीरो इज जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने पी जीरो को जीरो कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे आप पी जीरो जीरो किया गया, इसका मतलब क्या आप लिख रहे हैं कि पी जीरो इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट 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 इक्वल टू जीरो, मीन्स ए नॉट जीरो हो गया। ए नॉट जीरो हो गया तो इसका जो मेंबर होगा वो होगा ए एक्स सॉरी ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पावर एन। तो जब सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, फिर होल्ड कर जाएगा। सिमिलरली इन सबको आप चेक करिए, और कोई भी डाउट हो इस पे, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट आपको हो रहा है तो आप जो है 10 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं 9648884036 पे। सिमिलरली हम लोग लेते हैं बी इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स डिफरेंशियबल फंक्शन। जो भी है ये एक ऐसा सेट है इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स डिफरेंशियबल फंक्शन का। अब उसका सबसेट लिया गया वो उठाए गए फंक्शन जिसमें d2f by dx to 0 means 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो 0 आ गया।